करने को। आप लोग हिंदुस्तान की ऐसी नाजुक हालत में इतने लाखों आदमी कलकत्ता में जमा हो गए हैं, तो आपको एक हमारा मैसेज ले जाना चाहिए और सबको पहुंचाना चाहिए कि आज हमारी बहुत नाजुक हालत है। उस हालत में हमें न कोई हड़ताल करनी चाहिए, न कोई तूफान करने का कोई मौका पैदा करना चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इधर हमारे सेक्युलर स्टेट चाहिए, हिंदुओं का राज कौमी राज नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं कौमी राज बनाओ? हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कौमी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने काफी लोगों ने ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, ठीक दिया अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं कम कमांडो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। जब दांत गिर जाए, खट्टा हो जाए, तब गिर जाए, तब पीछे आओ, वहां तक हमें पीछे बुलाना है नहीं, हम बैठे ठीक है।